अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एमसीक्यू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ एंड वर्क्स पर बेस्ड होंगे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज आल्सो अ पोइट एंड डायरिस्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नेम बताना है जो बजाते खुद भी पोइट और डायरिस्ट हैं। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, आना वर्ड्सवर्थ, एग्नेस वर्ड्सवर्थ, शिरले वर्ड्सवर्थ एंड डोरथी वर्ड्सवर्थ। आई होप आप लोगों ने भी इसका राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है डोरथी वर्ड्सवर्थ। आपको वर्ड्सवर्थ की पोइम्स में भी ये नाम सुनने को मिलेगा। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ की कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप गूगल पर जाके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। तो फोर ऑप्शंस हैं, 7 अप्रैल 1770 को वो पैदा हुए, 7 जुलाई 1767 को पैदा हुए, 20 मार्च 1773 को पैदा हुए, 10 सितंबर 1772 को पैदा हुए। सो द राइट आंसर इज ए, 7 अप्रैल 1770। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब वफात पाई, 12 जनवरी 1842 को, 7 जून 1849 को, 3 नवंबर 1852 को या 23 अप्रैल 1850 को। सो द राइट आंसर इज 23 अप्रैल 1850। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ विद द जॉइंट पब्लिकेशन विद सैमुअल कॉलरिज हेल्प टू लॉन्ग द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। वो कौन सा वर्क है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सैमुअल कॉलरिज के साथ मिलकर पब्लिश किया, जिसने रोमांटिक एज की इंग्लिश लिटरेचर में बुनियाद रखी। द एक्सकर्शन है, द प्रीलूड, लिरिकल बैलेड्स, द पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स। तो राइट आंसर है लिरिकल बैलेड्स। इसीलिए तो कहा जाता है लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज की इब्तिदा हो गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसीडर्ड टू बी हिज मैग्नम ऑपस। मैग्नम ऑपस होता है मास्टरपीस या शाहकार। तो हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं, लेविडेनियम, द प्रीलोड, गाइड टू द लेक्स, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। तो हमारे पास राइट आंसर है द प्रीलोड। द प्रीलोड को विलियम वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ऑपस कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोइट लॉरेट। तो पोइट लॉरेट वो कब अपॉइंट हुए थे, 1847 को, 1861 को, 1839 को या 1843 को। जी हाँ, राइट आंसर है 1843। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन विच द फेमस वर्क लिरिकल बैलेड्स पब्लिश। लिरिकल बैलेड जो कि फेमस वर्क है वो कब पब्लिश हुआ था, 1778 को, 1769 को, 1798 को या 1792 को। सो द राइट आंसर इज 1798। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ सर्व्ड एज द पोइट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का पोइट लॉरेट वो कब से कब तक रहा था, 1843 से 1850 तक, 1840 से 1855 तक, 1842 से 1851 तक या 1833 से 1848 तक। सो द राइट आंसर इज 1843 से 1850 तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंड। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से कॉलेज में पढ़ते थे, सेंट जॉन्स कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज या किंग्स कॉलेज। सो द राइट आंसर इज सेंट जॉन्स कॉलेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी मैरी हॉचिनसन। फोर ऑप्शंस हैं, 1802, 1812, 1798 और 1805। सो द राइट आंसर इज 1802। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट। तो वो कौन सा मैगजीन था जिसमें 1787 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने कैरियर की एज अ राइटर इब्तदा की या आगाज़ किया और अपना सोनेट पब्लिश किया। तो फोर ऑप्शंस हैं हमारे पास, द यूरोपियन मैगजीन, द न्यू पोइट्री, द टैटलर और द रैम्बलर। तो इसका राइट आंसर है द यूरोपियन मैगजीन। तो यूरोपियन मैगजीन से विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना कैरियर एज अ राइटर स्टार्ट किया। और इसी एमसीक्यूज के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।